हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे 5006 आरएन टेम्परेचर कंट्रोलर का सेटिंग एंड उसका कैलिब्रेशंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों बटन्स को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आने के बाद हम लोग अप बटन को एक बार प्रेस करेंगे। पासवर्ड हमारा है 1, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरर द्वारा सेट किया हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग सेट 1 प्रेस करेंगे। सेट 1 प्रेस करने के बाद हम लोग का डिस्प्ले आएगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद फिर से हम लोग अगेन सेट 1 प्रेस करेंगे तो इनपुट आएगा। हम लोग को यहाँ पे इनपुट में कोई भी ट्रांसमीटर्स हो गया, आपका टेम्परेचर के लिए RTD या थर्माकपल सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक 5 सेकंड छोड़ने के बाद वो मेन मेन्यू में आ जाता है। तो दोबारा से हम लोग जाते हैं इनपुट में। इनपुट में आ गए हैं, उसके बाद हम लोग अब बटन प्रेस करेंगे। हम लोग का यहाँ पे RTD सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब हम लोग को मान लीजिए चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग अप डाउन करके अपना सिलेक्शन रखना है। जैसे हम लोग को ट्रांसमीटर रखना है तो 1 से 5 वोल्ट के लिए रखना है। RTD रखना है तो RTD का ऑप्शन आएगा। थर्माकपल रखना है तो उसका टाइप्स आते हैं। थर्माकपल एस टाइप हो गए, ये आर टाइप हो गए हैं, ये के टाइप हो गए हैं, ये टी टाइप होंगे। अभी हम लोग के पास RTD अवेलेबल है, तो RTD है तो हम लोग RTD में जाके सेलेक्ट करेंगे। RTD आ गया, उसके बाद हम लोग सेट 1 प्रेस करेंगे। ये हम लोग का इनपुट सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आता है 0 ऑप्शन। 0 ऑप्शन मेनली आप लोग जो ये 0 रेफरेंस मानना है कितना वैल्यू को, वो हम लोग का 0 में आता है। यहाँ पे हम लोग 0 को 0 वैल्यू में सेट किए हैं। अगर हम लोग को 200 -200 रखना है या 100 रखना है तो उसके लिए हम लोग अप डाउन वैल्यू कर सकते हैं, अपने अनुसार ये सेट कर सकते हैं। और जो हम लोग का मिली एम्पियर आउटपुट होता है वो 0 और स्पैन के बीच में ही वो बढ़ता और घटता है। अब आता है सेकेंड, तीसरा नंबर पे स्पैन आता है। स्पैन हम लोग का जो RTD लगा है उसका मैक्सिमम रेंज कितना है वो शो करता है। इसमें हम लोग बड़ा घटा भी सकते हैं इसका रेंज। मैक्सिमम हम लोग 850 तक जानते हैं कि RTD रीड कर सकता है, तो 850 ही रखते हैं इसमें। तो 850 अभी हम रख के इंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं TSP1। ये हम लोग का जो बैक साइड होता है कंट्रोलर के NONC पॉइंट के लिए मेनली होता है, जो कि अगर इंटरलॉक में काम आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी NO पॉइंट को यूज किए हैं, तो NO पॉइंट को यूज किए हैं तो उसमें हम लोग को क्या सेटिंग करना है वो देखते हैं। TSP1 आ गया, तो TSP1 में जाके हम लोग को पहले अगर हाई लिमिट के लिए यूज करना है तो H ऑन करना है, अगर लो लिमिट के लिए यूज करना है तो L ऑन करना है। तो हम लोग अभी यहाँ पे H ऑन यूज कर रहे हैं, तो H ऑन करके उसके बाद सेट प्रेस करना है। सेट प्रेस कर देने से ये सेटिंग आपका ले लिया। उसके आगे देखते हैं TSP2। ये मेनली सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इंटरलॉक के लिए, ऑप्शनल है। मान लीजिए 1 को यूज नहीं करना है तो सेकेंड में यूज कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा OPS। इसमें हम लोग को ज़्यादा यूज कुछ करना है नहीं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये आ जाता है DP। DP आपका डेसिमल पॉइंट आ जाता है कि आपका जो डिस्प्ले आएगा, यहाँ 4 अंक का डिस्प्ले, मैक्सिमम 9999 जा सकता है अगर हम DP को 0 पॉइंट में रखेंगे। तो अगर अपने अनुसार जितना भी DP रखना है वो बड़ा घटा सकते हैं हम, ये अप या डाउन से। मैक्सिमम हम लोग का 3 डिजिट तक DP जा सकता है, जिसको हम लोग की डेसिमल बोलते हैं। तो हम लोग अभी 1 पॉइंट में रखेंगे डेसिमल, उसके बाद सेट कर देंगे। DP के बाद हम लोग का आ जाता है BRST। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है हम लोग के यहाँ पे, तो अभी इसको हम लोग पास करते हैं। उसके बाद SRNO, इसमें भी ये सब एडिशनल सेटिंग है तो इसको अभी छोड़ देते हैं।
ये आ जाता है बाउड, ये एक्चुअली बाउड में 9600 सारे जितना भी 4 डिजिट्स के डेसिमल वाले कंट्रोलर रहते हैं उसमें सारे में 9600 इन रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। हेलो, बाउड के बाद आ जाता है हम लोग का आर डी वन। मैं आर डी वन को सारे में 0 सेट पे रखना पड़ता है। आर डी टू सेम वो ऑप्शनल के लिए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आर टी वन, तो इसमें हम लोग का मिली एम्पियर्स सिलेक्शन होते हैं। आपको 4 to 20 mA रखना है, 0 to 20 mA रखना है। ये हम लोग का पी एल सी या जहाँ फीडबैक लेना रहता है उसके अनुसार हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं HY1, ये हिस्टरेसिस होते हैं HY के फुल फॉर्म। इसमें हम लोग को मेनली ये सेट करना रहता है कि मान लीजिए आपका कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर या टेम्परेचर या हीटर कोई कनेक्ट है तो वो 60 डिग्री में अगर ट्रिप करता है और ऑटोमेटिक हमको 50 डिग्री में चालू रखना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते हैं। तो अगर हमको 50 में चालू करना है तो यहाँ पे हम लोग 10 डिग्री का डिफरेंस डाल देंगे। अभी एक्चुअली में हम लोग RTD कनेक्ट किए हैं तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग इसको 0.1 पे रखते हैं। ये उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं HY2। सेम वो ऑप्शनल है फर्स्ट और सेकंड, ये हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं हैं तो इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है मेन मेन्यू, पासवर्ड आ जाता है। अब और एक जो अगर हम लोग का फील्ड में टेम्परेचर कुछ और आ रहा है और कंट्रोलर कुछ और बता रहा है तो वो सेटिंग करने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन प्रोसेस में जाते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसेस में जाने के लिए हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन आता है। उसके बाद हम लोग अप बटन प्रेस करते हैं, तो अप बटन प्रेस करने के बाद कैलिब्रेशन ऑप्शन आते हैं। कैलिब्रेशन ऑप्शन आने के बाद फिर से हम लोग सेट प्रेस करते हैं। सेट प्रेस करने के बाद कैलिब्रेशन टू आते हैं। कैलिब्रेशन टू में हम अप बटन प्रेस करके जाते हैं तो हम अभी जो प्रेजेंट टेम्परेचर हमारे हैं वो 21 डिग्री आ रहे हैं। अगर मान रहे हैं हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर 25 करना चाहते हैं तो 25 करने के लिए हम लोग यहाँ से राइज करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटर मार देंगे। ये हो गया हम लोग का फुल प्रोसेस ऑफ सेटअप ऑफ 5006 आर एन एंड कैलिब्रेशन। अब हम लोग मेन मेन्यू जाते हैं, देखते हैं 25 डिग्री हुआ है कि नहीं। देखिए हम लोग का यहाँ पे वो पॉइंट सम एरर आते हैं कंट्रोलर में, वो देख अभी पहले 21 डिग्री था, अभी 24.9 डिग्री आ गए। और आइए इसका बैक साइड का कनेक्शंस दिखाते हैं हम आपको। ये कनेक्शंस हो गए हैं हम लोग का लाइन एंड न्यूट्रल का। ये हो गया लाइन एंड न्यूट्रल 220 वोल्ट्स के लिए। और ये जो कनेक्शन है ये मेनली हम लोग का NONC इंटरलॉक के लिए यूज करते हैं। ये हो गया वन का, ये हो गया टू। ये हम लोग का एक्चुअली में पोर्ट टाइप का रहता है जो कि NONC पॉइंट्स बने रहते हैं। अब आते हैं मेनली जो हम लोग कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू जो शो करते हैं उसका यहाँ पे ये C+, V+ और GND, ये जो रहते हैं मेनली यही 3 पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास अभी RTD है तो RTD है तो हम लोग 3 केबल RTD यूज किए हैं, तो इसमें C+, V+ एंड GND में हम लोग कनेक्ट किए हैं। अगर मान लीजिए हम लोग के पास थर्माकपल रहेगा तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है और इसके बीच में TC लिखा लिखा हुआ है। TC का मतलब हो गया आप हम लोग का पास थर्माकपल कनेक्शन करना है, तो थर्माकपल कनेक्शन करने के लिए V+ एंड GND में डालना है। अगर हम लोग के पास कोई भी प्रकार का ट्रांसमीटर है जो कि 24 वोल्ट्स पे ऑपरेट होते हैं और 4 to 20 mA देते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे V+ एंड माइनस का जो सिंबल दिया हुआ है इन दोनों के बीच में हम लोग फर्स्ट में एक 250 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यह उसी में
आपका ट्रांसमीटर्स का कनेक्शन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो 4 to 20 मिलियंस जो होगा वो हम लोग का ट्रांसमीटर से रिसीव भी होंगे और 24 वोल्ट सप्लाई वो जाएंगे फील्ड में। और ये जो ऑप्शन है RX1+ एंड RX1-, ये हम लोग का आउटपुट देते हैं लाइक 4 to 20 मिलियम्स। अगर हम लोग को कहीं भी अदर जगह पे मिली एम्पियर या सेम फीडबैक का जरूरत पड़ता है तो उसका यूज़ करते हैं। और ये जो D+ एंड D- दिख रहा है ये एक्चुअली में RS485 एक कनेक्टर आते हैं, वो सिंपली जो कि डायरेक्ट ऑपरेट होते हैं सिस्टम से। अगर हम लोग को फील्ड में या सिर्फ एक कंट्रोलर का डिस्प्ले को मॉनिटर करना है तो वो हम लोग डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करके देख सकते हैं। बस आज का ये फुल प्रोसेस हो गया 5006 RN का। थैंक यू।